गुड इवनिंग बच्चों, इकोलॉजी में आज हम इकोसिस्टम के पार्ट्स और इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के पिरामिड्स को पढ़ेंगे। आपने इकोसिस्टम का जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में हम आज थोड़ा सा उसको कंप्लीट करेंगे। कोई भी इकोसिस्टम है तो उस इकोसिस्टम में हमने बताया था एबायोटिक और बायोटिक दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से प्रमुख फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। बायोटिक फैक्टर में आपको मालूम था कि पूरे इकोसिस्टम में ओरिजिन कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, ये तीन पार्ट होते हैं। ये सभी बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक फैक्टर की सहायता से आगे अपनी लाइफ साइकिल में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन अन्य जो क्रियाएँ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं। आपको मालूम है कि ग्रोथ के लिए लाइट, प्रकाश, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट क्या करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं, सनलाइट है जो सूर्य से प्राप्त होती है, ये एबायोटिक फैक्टर है। प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स मिट्टी में से एबायोटिक फैक्टर क्या है, आपका सॉइल है। सॉइल में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन प्राप्त करने के लिए कहते हैं तो वाटर कंसेंट्रेशन, लाइट की उपस्थित में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से हाइड्रोजन जल से ले लेते हैं और C6H12O6 ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे एलिमेंट मोनोसेक्राइड बनाते हैं, मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड, फिर पॉलीसेक्राइड सेलुलोज बन जाता है। तो प्लांट का मेन कंपोनेंट आपका सेलुलोज है। वो प्लांट एल्गी भी हो सकते हैं या अन्य प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, बड़े आकार के हो सकते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर की सहायता से भोजन बनाने की क्षमता प्रोड्यूसर्स में होती है। इन प्रोड्यूसर्स को उपयोग करने वाले जो कंज्यूमर हैं इनको हम कई श्रेणियों में विभाजित करते हैं। वह कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो हमेशा हेल्दी वर्स होते हैं। उनको होते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये कैसे होते हैं हेल्दी वर्स। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर से बनते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कार्निवोरस होते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को भोजन के रूप में उपयोग करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, एनिमल्स को भोजन के रूप में उपयोग करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर इसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से कंज्यूमर्स की कैटेगरी कई कैटेगरी हैं। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं सेकेंडरी कंज्यूमर है, जैसे फॉक्स है, जैसे स्नेक है, और उन स्नैक्स को भी भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले आपका क्या बोले ये टाइगर है, लायन है, बाघ है, या स्नैक्स को मोर है, पिकॉक, ये सब कैसे होंगे
तो इस प्रकार से प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर डिकम्पोजर से माइक्रोब्स आते हैं जो मिट्टी में इन सभी प्रकार के प्रोड्यूसर्स को सभी प्रकार के प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर को वापस मिट्टी में मिला देने का काम करते हैं। इन माइक्रोब्स को के द्वारा डिकम्पोजर्स ने जो प्रोसेसिंग की वो सब सॉइल में जाते हैं और वापस प्रोड्यूसर्स उन ऑर्गेनिक कंपोनेंट को लेकर के फिर भोजन बना देते हैं। इस प्रकार से जो आपकी फूड चेन चलती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स होते हुए एक निश्चित चेन में जो एनर्जी फ्लो चलता है उस एनर्जी फ्लो में 10% ला काम करता है। इस 10% लाभ में क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब इन बायोटिक कंपोनेंट्स को हम दो शब्दों में समझना चाहते हैं। अक्सर पूछा जाता है फूड चैन क्या है फूड वेब क्या है, तो होता क्या है कि जैसे कोई प्रोड्यूसर को खाने वाला कोई विशेष व्यक्ति है प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, उस विशेष प्राइमरी कंज्यूमर को कोई विशेष सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है और उसमें उस विशेष सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई विशेष टर्शरी कंज्यूमर भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस तरीके से ये जो क्रम चल रहा है वो एक निश्चित सीरीज में चल रहा है, उसमें एक प्रोड्यूसर का एक निश्चित कंज्यूमर है, एक निश्चित कंज्यूमर का एक निश्चित कंज्यूमर है, तो इसको बोलते हैं फूड चैन। लेकिन जब प्रोड्यूसर के बहुत सारे कंज्यूमर हों, इन बहुत सारे कंज्यूमर के बहुत सारे सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर हों तो और सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड हों तो उसको बोलते हैं फूड वेब। इसको हम एक चार्ट की सहायता से भी समझते हैं। जैसे एक ग्रास है, घास ग्रास को खाते हैं, ग्रास का फॉर्म ग्रास हम लोग खाते हैं, ग्रास ग्रास को भोजन के रूप में ग्रहण करने का काम करता है। स्नेक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है आपका पीकॉक मोर, पीकॉक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है मैन। इस प्रकार से आप देखेंगे इस पूरी चैन में एक विशेष व्यक्ति एक दूसरे एक विशेष प्रजाति का दूसरे विशेष प्रजाति के साथ में क्रम में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। ग्रास को हमेशा ग्रास अपर ही खाए, ग्रास अपर के अलावा कोई और नहीं खा रहा, ग्रास अपर को सिर्फ फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को सिर्फ स्नेक खा रहा है, स्नेक के अलावा कोई और नहीं खा रहा, स्नेक को सिर्फ पिकॉक खाता, पिकॉक को मैन खाता है। एक निश्चित सीरीज में अगर ये श्रृंखला चल रही है तो उसको बोलते हैं फूड चैन। और जब यहीं पर ग्रास को खाने वाले आते बहुत सारे एनिमल्स के हैं जैसे टर्माइट, इंसेक्ट को रॉक खा लेते हैं,
ग्रास ऑफर को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ग्रास ऑफर को दूसरे इंसेंट दिखाते हैं या इस ग्रास ऑफर को रिजल्ट डाले दुनिया बहुत सारे कीड़ों को खाती है, डिजर्ट को स्नेक खा ले, स्नेक को मैन भी खा ले, पिकाक को तो मैन खाई रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं ये रैबिट है, ये भी ग्रास को खाता है, रैबिट को स्नेक खा लेता है या रैबिट को सॉक्स बकरी खाती है, सॉक्स मैन खाता है, फॉक्स पिकाक को फॉक्स खाता है और मौका रहने पर फॉक्स स्नेक को भी खा जाती है। इस तरह से बहुत सारे जंतुओं के बीच में जब भोजन के संबंध होते हैं और सब एक जीवों के भोज और भोजन के संबंध जब कई दूसरे जीव से होते हैं तो ऐसे संबंधों के होते हैं फूल और इस फूल में आप देख रहे हैं कि रात को फॉक्स भी खा सकते हैं, रैबिट को डायरेक्ट मैन भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकते हैं, फॉक्स भी खा सकते हैं। यानी रैबिट कई लोगों के लिए भोजन है, स्नेक कई लोगों के लिए भोजन है, तो इसका मतलब सभी जीव भोजन की श्रृंखला में आपस में उलझे हुए हैं और उनके कई स्रोत हैं जो ऐसे पूरे संबंधों को हम टूट गए। तो किसी को सिस्टम में जितनी ज़्यादा विविधता होगी, जितने ज़्यादा प्रजाति के जीव होंगे, फूड वेब उतनी ज़्यादा विकसित होगी और इकोसिस्टम में जितने कम जीव होंगे फूड चैन उतनी ज़्यादा विकसित होगी, फूड वेब उतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी। अब आप समझ सकते हैं कि फूड चैन की स्थिति क्या है कि जब एक निश्चित दिशा में भोजन चल रहा था, अगर फूड चैन में ग्रास ऑफर खत्म हो जाए तो इस ग्रास को डायरेक्ट खाने की क्षमता फ्रॉग इसने पिकॉक दिया मैन में नहीं, तो ग्रास ऑफर खत्म होने के बाद आगे की जो चैन है वो अपने आप विलुप्त हो जाएगी। ये फूड चैन की अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, फूड चैन इकोसिस्टम के नेचुरल फ्लो को बाधित कर सकती है। लेकिन यदि फूड चैन के स्थान पर बहुत सारी फूड चैन एक साथ पाई जा रही हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, फूड वेब के रूप में हैं, तो अगर ग्रास को खाने वाले ग्रास ऑफर ख़त्म भी हो जाए तो इंसेक्ट एक माध्यम है जो ग्रास को खा करके फ्रॉग का पेट भरेगा, रैबिट दूसरा माध्यम है जो ग्रास को खा करके बाकी इकोसिस्टम के सर्वाइवल का रास्ता बनाएगा। इस प्रकार से प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट भी है, ग्रास ऑफर भी है, रैबिट भी है, कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर सिस्टम को आगे रन कर देगा और फूड चैन आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो ऐसे फूड चैन जिसमें कई विकल्प उपलब्ध हों उसको बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब नेचुरल इकोसिस्टम में उस इकोसिस्टम के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किसी सिस्टम में जितनी ज़्यादा होगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी भी उतनी अधिक होती है, इसीलिए हमेशा बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएँ। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में इकोलॉजी में इन सब चीज़ों को रखा गया है और इस बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा करके हम इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो इकोसिस्टम में फूड चैन बाधित होने से आगे सबसे बड़ी जो परेशानी पैदा होगी कि फूड चैन के बीच की अगर एक कड़ी भी छूट जाती है तो आगे की पूरी फूड चैन सीधा खत्म हो जाएगी और वो इकोसिस्टम के लिए घातक है। इसलिए जैव विविधता बढ़ाने के लिए फूड वेब को बढ़ावा देना जरूरी है। अब ये सभी चीज एक का संबंध भोजन और भोज्य का होता है। ग्रास ऑफर का भोजन ग्रास है और ग्रास ऑफर स्वयं फ्रॉग के लिए भोजन है, फ्रॉग का भोजन ग्रास ऑफर है, लेकिन फ्रॉग स्वयं स्नेक का भोजन है। इस तरह से सभी जीवों के बीच में भोजन और
भोज्य का संबंध होता है और इन संबंधों को में प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है, जो प्राप्त होने वाली बॉडी वेट गेन कर रहे हैं जिसको हम बायोमास कहते हैं, इन सबको हम एक पिरामिड की सहायता से दर्शाते हैं। उस पिरामिड को उन्होंने समझना है। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड, संख्या को, जीवों के भार को और ऊर्जा के फलों को चित्र के रूप में दर्शाना चाहें तो उस चित्र को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और ये पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है एनर्जी का, दूसरा प्रकार होता है नंबर का, तीसरा होता है बायोमास। एनर्जी, नंबर एंड बायोमास, ये तीन आधार पर पिरामिड का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखते होंगे एनर्जी का पिरामिड समझने के पहले हमें एनर्जी फ्लो को जानना चाहिए। आपने ये तो समझा है कि दुनिया में एनर्जी का सोर्स सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है, उस एनर्जी सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी का 90% वातावरण में रिफ्लेक्ट रहता है और 10% प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर तक क्रमशः जो है 90% एनर्जी हर स्टेप पर लॉस होती है और कुछ 10% एनर्जी ही पहुंचती है। तो ये एनर्जी मान लीजिए 100% थी, इस 100% एनर्जी का प्रोड्यूसर को 10% मिला, ये 100% एनर्जी थी, प्रोड्यूसर को 10% मिला, 90% वातावरण से रिफ्लेक्ट होती है। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में भी 10% से कितनी गई है 1% और 9% लॉस हो गई। ये सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी कितनी हुई 1%, जिस 1% एनर्जी का चेंज क्या हुआ कि अब इस 1% में से 0.9% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई और 0.1% और नेक्स्ट स्टेप में टर्शियरी कंज्यूमर में फिर हम देखते हैं 0.09% एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई और 0.01% एनर्जी आगे स्टेप पर ट्रांसफर हो गई। इस प्रकार से प्रत्येक स्टेप पर हम देखते हैं कि एनर्जी का 90% वातावरण में रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ 10% हिस्सा ही अगले स्टेप पर
प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, या टर्शियरी कंज्यूमर तक जाता है, इसको बोलते हैं हम 10% लाभ। और इस 10% लाभ की संख्या है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको मिलती है? प्रोड्यूसर्स को। और क्रमशः जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर की ओर आने पर एनर्जी की उपलब्धता घटती चली जाती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमने यह आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको मिल रही है? प्रोड्यूसर्स को। तो अगर हम एनर्जी का पिरामिड बनाएंगे तो उसमें प्रोड्यूसर वाला हिस्सा सबसे बड़ा है, नीचे की ओर। ये क्या है? प्रोड्यूसर। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे क्रमशः हम देखते हैं एनर्जी की जो विकास होता है वो अगर एनर्जी की उपलब्धता है वो घटती चली जाती है। प्रोड्यूसर्स में 10%, प्राइमरी कंज्यूमर में 1%, सेकेंडरी कंज्यूमर में 0.1%, और टर्शियरी कंज्यूमर में 0.01% पहुँच रही है। जिससे स्पष्ट है जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं ऊर्जा की उपलब्धता घटती जाती है, तो ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूसर से मिलती है, ये वाला हिस्सा बड़ा है। और ऊपर की ओर जो कोण का एक शक्ति मिल जाता है वो दिखा रहा है कि एनर्जी की मात्रा घटती जा रही है। जिससे ये स्पष्ट हो गया कि हमेशा जो एनर्जी का पिरामिड है वो सीधा ही बनेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर को एनर्जी कम मिले और कंज्यूमर को एनर्जी ज़्यादा मिले। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर छोटा होता जाता है। प्रोड्यूसर में ज़्यादा, प्राइमरी से टर्शियरी कंज्यूमर को क्रमशः एनर्जी की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्लियर हो गया। अब पिरामिड ऑफ नंबर देखिए, संख्या का पिरामिड आप देखेंगे तो संख्या के पिरामिड में अगर हम तीन तरह के इकोसिस्टम दे देते हैं, एक है पौंड का इकोसिस्टम, पौंड के इकोसिस्टम में संख्या के पिरामिड अगर हम देखें तो पौंड का इकोसिस्टम बना के ही देखना पड़ेगा। हमेशा हम देखते हैं कि पानी में प्रोड्यूसर्स जो स्मॉल फिशेस जो
सेकेंडरी मिनिमम थे उनको लार्ज बिजनेस इंडस्ट्री मिनिमम ग्रीन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका मतलब पाउंड में नंबर का बराबर है, अगर संख्या की दृष्टि से देखिए तो साइकिल कैंपियंस की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और लार्ज साइज बिजनेस की संख्या सबसे कम होती है। इसका मतलब है नंबर का पिरामिड ऑन में और सी में हमेशा सीधा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्री का पिरामिड देखें, ट्री भी कैसे भी है ट्री में पिरामिड जो नंबर का पिरामिड है वो उल्टा होता है, जैसे बर्गर का वृक्ष है क्या होगा जरूर सकते प्रोड्यूसर क्या है आपका बर्गर का वृक्ष। इस प्रोड्यूसर के बर्गर के पेड़ में बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, उसके रहेंगे प्राइमरी तो सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या हमेशा कम होगी और प्रोड्यूसर की संख्या हमेशा अधिक होगी, ऐसा एक सिस्टम है। ऐसा संख्या का पिरामिड ट्री में होता है, ट्री का जो संख्या का पिरामिड है वो स्पष्ट है, इसी तरह बनता है और उल्टा भी बनता है। जब हम पॉन्ड का नंबर का पिरामिड बनाएंगे तो हमेशा सीधा बनेगा और जब हम ट्री का नंबर का पिरामिड बनाएंगे तो हमेशा उल्टा बनेगा। पॉन्ड दे ग्रासलैंड फॉरेस्ट ग्रासलैंड हमेशा सीधा बनता है। घास की संख्या ज़्यादा, घास पर आश्रित पशु छोटे छोटे शाकाहारी पशुओं की संख्या उससे कम और सबसे कम बड़े आकार के पशु, तो इस प्रकार से ग्रास लैंड का और फॉर का इकोसिस्टम हमेशा सीधा बनता है। जबकि ट्री में हमेशा कुछ नीचे की ओर है, तो आप देखते हैं पेड़ों में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, प्रोड्यूसर की संख्या कम और कंज्यूमर की संख्या ज़्यादा, और बर्ड्स के शरीर में बहुत सारे पिस्ती रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, उनकी संख्या और ज़्यादा है, इसलिए पिरामिड उनका उल्टा होता है। इसके बाद तीसरा पिरामिड है बायोमास। बायोमास में वही स्थिति है, बायोमास पिरामिड अगर पॉन्ड में देखेंगे तो पॉन्ड में बायोमास पिरामिड हो सकता है। पॉन्ड में बायोमास से पिरामिड अगर आप देखेंगे ये ट्री ये पॉन्ड पॉन्ड में प्रोड्यूसर की संख्या का वेट जो है वह हमेशा कम होता है और कंज्यूमर का वेट हमेशा प्रोड्यूसर उनको देखेंगे प्रोड्यूसर लाइब्रेरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर आप इसको कुछ साल पर लोग चलते हैं तो हमेशा आप पॉन्ड में देखेंगे तो बहुत सारे जो जू प्लैंकटन्स हैं फाइटो प्लैंकटन्स उनका वेट कम है, उनसे ज़्यादा वेट होगी तो इंसेक्ट का इंसेक्ट उठाने वाले आने जो एनिमल्स हैं सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर आप देखेंगे पॉन्ड में बड़े अगर जो फिशेज हैं उनका वेट ज़्यादा है और जो फाइटो प्लैंकटन्स और जू प्लैंकटन्स हैं पॉन्ड में उनका वेट कम है। तो ऐसी स्थिति में जब पॉन्ड का बायोमास का पिरामिड देखेंगे तो
टोटल बायोमास में देखेंगे एनर्जी का जो वेट है वो कम होगा और एनर्जी का जो जैव भार होगा बायोमास होगा कम होगा, इसमें दर्शनी कंज्यूमर का भार सबसे ज़्यादा होगा। यानी हम जब औसत भार की दृष्टि से देखते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर की ओर पॉन्ड के बायोमास के इकोसिस्टम में चलने पर पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, जबकि पॉन्ड में ही आप देखेंगे पॉन्ड में अगर बायोमास तो बायोमास के पिरामिड पॉन्ड में क्या होता है प्रोड्यूसर्स जनता और कंज्यूमर्स टर्शियरी कंज्यूमर की ज़्यादा है। इसका मतलब है आप कम चीज़ें देकर के ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए पॉन्ड का इकोसिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम बायोमास का भार की बात करें फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में तो पेड़ों का भार बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम तो बढ़ेंगे तो पेड़ों का भार से विभिन्न जीवों का भार घटता चला जाएगा, जैसे प्रोड्यूसर जो प्लांट है उनका भार हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। डायरेक्ट प्राइवेट ये सब जो है प्रकाश जंतु मनुष्य इन सब का भार प्रोड्यूसर से कम है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का भार कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर आपके जो भी हैं उनको ग्रहण करने वाले भोजन के रूप में उनको सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उनकी संख्या और कम होती है, उनका भार और कम होता है। इस प्रकार से देखते हैं कि बायोमास भार का प्राइवेट है वो नीचे की ओर बड़ा ऊपर की ओर खतरा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि बायोमास का जो पिरामिड है उस पिरामिड में ये एक ग्राम ग्राम बनाया पौंड का, एक ग्राम बनाया आपका क्रॉप लैंड का क्षेत्र बनाया। तो बायोमास की दृष्टि से देखें तो प्रोड्यूसर जैसे यहाँ पर तो प्रोड्यूसर कम कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो दूसरा आपने जो इकोसिस्टम बनाया है पिरामिड बनाया है ये पिरामिड आपके पॉन्ड के स्थान पर पॉन्ड समझिए अगर हम अन्य जीवों में देखें तो प्रोड्यूसर की संख्या हमेशा ज़्यादा आपके पालन बड़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर की संख्या के अनुसार घटती जाती है, इसलिए पिरामिड छोटा है। तो बड़ी बड़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा पिरामिड सीधा है कौन सा उल्टा है, इसको आपको समझ करके बनाना है प्रैक्टिस करना है और जब बन जाए तभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस प्रकार आपको पॉन्ड के इकोसिस्टम ग्रासलैंड के और फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के बारे में हमने बताया। ये मान लीजिए आपका इकोसिस्टम है ग्रासलैंड का, तो ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में घास का भाग प्रोड्यूसर का भाग कुछ ज़्यादा होगा, घास का खरगोश का भाग उससे कम और खरगोशों को खाने वाले फॉक्स का भाग उससे कम तो क्रमशः आप ग्रासलैंड का इको सिस्टम देखेंगे वो पिरामिड सीधा होगा, और पॉन्ड के इको सिस्टम में देखेंगे पॉन्ड में प्रोड्यूसर जो फाइटोप्लैंक्टन जो प्लैंक्टन है उनका भार सबसे कम होगा, उन पर आपसे प्राइमरी जो इंसेक्ट है उनका भार और थोड़ा ज़्यादा, छोटी मछली स्मॉल फिशेस का भार थोड़ा ज़्यादा और बड़ा लार्ज फिशेस का भार सबसे ज़्यादा होगा। ये पॉन्ड का जो प्रोडक्टिविटी है इसमें इको सिस्टम जो है पिरामिड चित्र के रूप में देखेंगे तो उल्टा बनता है और ग्रासलैंड का पिरामिड सीधा बनता है। इस प्रकार से आपको ये
इकोलॉजिकल पिरामिड, ये पांचवा टॉपिक है, ये क्लियर हो गया मुझे। आप देखते होंगे कि प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से जो पौंड की प्रोडक्टिविटी है वो अन्य बिजनेस से ज़्यादा अच्छी है। आप देखते होंगे अक्सर हम तालाब में देखते हैं, 6-1 हेक्टेयर के तालाब में यदि हम फिश कल्चर करते हैं तो फिश का उत्पादन ज़्यादा होता है, यानी उससे ज़्यादा लाभ होता है। जबकि 1 हेक्टेयर के खेत में अगर हम खेती करते हैं तो उसका उत्पादन का लाभ अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये लाभ जो बता रहा है, ये बायोमास बता रहा है, बायोमास हमेशा बायोमास का पिरामिड इक्विटी के सिस्टम में उल्टा बनता है नीचे की ओर, तो प्रोडक्शन में कंज्यूमर प्रोड्यूसर की संख्या कम होती है, भार कम होता है और जैसे सिल्वर की ओर बढ़ेंगे इसका भार ज़्यादा होता है। इसलिए इसको इस जो पॉन्ड कल्चर है, फिश कल्चर है, वो फायदे का बिजनेस है। ठीक है, इस प्रकार से इकोलॉजी में आज आपने क्या क्या पढ़ा, इकोसिस्टम के पार्ट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चैन, फूड वेब और एनर्जी फ्लो, ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आपने पढ़े। इन 4 महत्वपूर्ण टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करना है। कहीं पर कोई परेशानी होती है तो आप फोन पे मैसेज करके उस वीडियो में आप जवाब दे सकते हैं।